नमस्कार दोस्तों, हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी शिक्षण विधियां भाग 6। शुरू करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और इन क्वेश्चंस का अगर PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। मौन वाचन का भेद नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अनुकरण वाचन मौन वाचन का भेद नहीं है, जबकि द्रुत वाचन, गंभीर वाचन और व्यक्तिगत वाचन तीनों ही मौन वाचन के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की दृष्टि से निबंध अध्ययन का पाठ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, गहन अध्ययन। शिक्षण की दृष्टि से निबंध का अध्ययन गहन अध्ययन के माध्यम से किया जा सकता है और निबंध अध्ययन गहन अध्ययन का पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, अभिनय विधि के द्वारा मुस्कुराकर किसी भी शब्द को स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से श्रवण दोष का कारण नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, शांत वातावरण श्रवण दोष का कारण नहीं है, जबकि मौखिक कार्य का आशय स्मरणेंद्रियों में विकार और ध्यान केंद्रित न होना आदि सभी श्रवण दोष के कारण हैं। नेक्स्ट, सस्वर वाचन का भेद नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, गंभीर वाचन सस्वर वाचन का भेद नहीं है, जबकि व्यक्तिगत वाचन, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन सभी सस्वर वाचन के भेद हैं, इनमें सस्वर वाचन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की दृष्टि से गद्य के प्रकार हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, दो प्रकार। नेक्स्ट, कविता की विशेषता नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, कविता नीरस होती है, कविता की विशेषता नहीं है, जबकि कविता एक प्रबल अनुभूति है, कविता जीवन का समन्वित रूप है, कविता में लय, ताल और संगीत होता है, ये सभी कविता की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, खंडान्वय विधि प्रश्नोत्तर विधि भी है। नेक्स्ट, किस विधि को सुकरात विधि कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रश्नोत्तर विधि को सुकरात विधि कहा जाता है। नेक्स्ट, काव्य के रूपों में के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, सर्वे के अंतर्गत आते हैं, श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सम्मेलन से संबंधित कार्यक्रम है। इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी, कवि गोष्ठी, कवि समादर और कवि जयंती सभी कार्य सम्मेलन से संबंधित कार्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, व्याख्या विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, जबकि गीत विधि, अभिनय विधि और अर्थबोध विधि आदि व्याख्या छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जबकि व्याख्या विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक पहले सीखता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, भाषा, बालक सबसे पहले भाषा शिक्षा है और फिर उसके बाद व्याकरण, गद्य पद्य आदि के बारे में जानता है। नेक्स्ट, गीत विधि किस स्तर की कक्षाओं के लिए उचित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उच्च स्तर की। किसी भी क्वेश्चन में संशय हो तो कमेंट जरूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और क्वेश्चंस की PDF प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़िए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नियम के उदाहरण की ओर से किस विधि में जाना पड़ता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाना होता है। नेक्स्ट, उदाहरणों की व्याख्या तथा उनके प्रयोग के आधार पर व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। करेक्ट आंसर है बी, आगमन विधि में। आगमन विधि में उदाहरणों की व्याख्या की जाती है और उन्हीं के प्रयोग के आधार पर व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से विचार विधि किसे कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है बी, तर्क विधि को विचार विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विद्यार्थी किसी लेख को सामान्य से हटकर लिखता है तो वह लेख कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है ए, मौलिक। जब विद्यार्थी किसी भी लेख को सामान्य से हटकर लिखता है तो वह लेख मौलिक होता है, वह मौलिक कहलाता है। नेक्स्ट, जब विद्यार्थी किसी लेख को सामान्य से हटकर लिखता है तो वह लेख कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर है सी, भाषा संसर्ग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से लिखित अभिव्यक्ति रचना शिक्षण का उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी,
साहित्य सृजन क्षमता का विकास करना, प्रभावशाली लेखन शैली का विकास करना और विचारों को शुद्ध लिखने की क्षमता का विकास करना, ये सभी लिखित अभिव्यक्ति रचना शिक्षण के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? इसका सही आंसर है सी, दोनों सक्रिय हो। ए, जिसमें अध्यापक विधि का श्रेष्ठ व छात्र निष्क्रिय हो, जिसमें छात्र सक्रिय व अध्यापक निष्क्रिय हो, ये सब दोनों गलत है। तो जिस विधि में दोनों अध्यापक व छात्र दोनों सक्रिय हो, उसी विधि को श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में रचना शिक्षण की विधियां हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। खेल विधि, उद्बोधन विधि और रूपरेखा विधि, सभी विधियां रचना शिक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल विधि किस स्तर पर उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर है ए, प्रारंभिक स्तर पर खेल विधि उपयोगी विधि है। नेक्स्ट, उद्बोधन विधि का प्रयोग किस स्तर पर उपयोगी है? इसका सही आंसर है डी, सभी स्तरों पर। उद्बोधन विधि का प्रयोग प्रारंभिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, सभी स्तरों पर बहुत उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचारों की अभिव्यक्ति का रूप है? इसका करेक्ट आंसर है बी, संवाद विचारों की अभिव्यक्ति का ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक रचना को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है बी, लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक रचना को जब लिपिबद्ध कर दिया जाए तो उसे लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट, देवनागरी लिपि का निम्नलिखित में से दोष है? इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। संयुक्ताक्षरों को सीखना और लिखना कठिन है। अक्षरों ब व आदि की बनावट एक जैसी होती है, इसमें अक्षरों की संख्या बहुत अधिक है। ये सभी दोष देवनागरी लिपि के प्रमुख दोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन, पठन, स्वरण, कथन, अर्थ, भाव, ग्रहण किस उद्देश्य में आते हैं? इसका सही आंसर है सी, कौशलात्मक उद्देश्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन किस आधार पर कर सकते हैं? इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वाक्य विचार, वर्ण विचार और शब्द विचार, सभी में हिंदी भाषा का मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गणनात्मक उद्देश्य है? इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। एक काव्य, कथा, नाटक आदि का ज्ञान कराना, भी विद्यार्थियों को श्रुतियों तथा लोकोक्तियों का ज्ञान कराना, सी विद्यार्थियों को ध्यानित्व का ज्ञान कराना आदि सभी ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, सामान्य रूप से हिंदी भाषा में कितने वर्ण माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ए, 36 वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर वह शिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं? इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ए, वाचन क्षमता का विकास, बी, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास, सी, वर्णमाला का ज्ञान कराना, उपयुक्त सभी शिक्षण के उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण के कौशल ज्ञान सृजन के आधार पर शिक्षण उद्देश्य है? इसका सही आंसर है सी, 3 उद्देश्य। नेक्स्ट, मातृभाषा का निम्नलिखित में से संबंध अर्थात समन्वय है? इसका सही आंसर है डी, सभी से। मातृभाषा का भूगोल से, विज्ञान से, इतिहास से, सभी विषयों से समन्वय है अर्थात संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य ये हैं? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ए, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना, बी, संस्कृति सभ्यता अध्ययन का विकास करना, सी, विषय वस्तु के साथ अन्य ग्रंथों का अध्ययन करना, डी, उपयुक्त सभी अभिवर्त्यात्मक उद्देश्य हैं। नेक्स्ट, उच्चारण शिक्षण का अभाव होने पर होता है? इसका सही आंसर है बी, उच्चारण दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सस्वर वाचन का उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उपयुक्त सभी। एक, छात्रों को कविता को लय से गाना, बी, छात्रों को शुद्धोच्चारण का अभ्यास कराना, सी, छात्रों को मानव जीवन के विभिन्न पक्षों का ज्ञान कराना, उपयुक्त सभी सस्वर वाचन के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का ध्वनि तत्व बहुत ही वैज्ञानिक है क्योंकि उसमें, इसका सही आंसर है ए, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। नेक्स्ट, वर्तनीगत अशुद्धियों के कारण निम्नलिखित में है? इसका सही आंसर है डी, अशुद्ध श्रवण। वर्तनिक अशुद्धियों के कारण अशुद्ध श्रवण होता है, मतलब अशुद्ध बात सुनती है। नेक्स्ट, शिक्षक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को कहते हैं? इसका सही आंसर है डी, सॉरी बी, आदर्श वाचन। शिक्षक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिगत वाचन को आदर्श वाचन कहते हैं और विद्यार्थी द्वारा किए गए वाचन को अनुकरण वाचन कहते हैं।
तो ये था हमारा हिंदी शिक्षण वीडियो से संबंधित भाग 6। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट में बताएं, और हमारे किसी भी क्वेश्चन में संशय हो तो कमेंट जरूर दें। इन क्वेश्चंस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।